हाय गाइस, दिस नरुण जंगीर, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, और जिसका नाम मैं देने वाला हूँ पोजीशन। राइट, पोजीशन का मतलब जैसे हम सब ये लोग जानते हैं, मतलब अधिकार। राइट, तो पिछली क्लासेस में हमने सारे एक्शंस को जाना था। एक्शंस के बाद हमने उसमें काफ़ी प्रैक्टिस भी किया, एंड नाउ पोजीशन। अब पोजीशन मतलब मेरे पास है, मेरे पास वो स्किल्स है, मेरे पास वो टैलेंट है, मेरे पास मोबाइल है। राइट, तो ये क्या है, इन सारी चीजों पे मेरा अधिकार है। और जब मैं अधिकार की बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हमारे पास एक बेहतरीन वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड हैव। क्या है? हैव। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई चीज जब मेरे पास रहेगी तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा, हैव। आई हैव, मेरे पास है। तुम्हारे पास है, यू हैव। उसके पास है, ही हैज। लड़की है तो शी हैज, मेरे पास है तो आई हैव। राइट, तो पोजीशन में हम लोग हैज हैव का यूज करने वाले हैं। अगर मैं किसी चीज को रखता हूं, अगर मैं किसी चीज को रखता हूं तो वो क्या होगा, हैव। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पोजीशन मतलब अधिकार, अधिकार का मतलब है के पास होने के लिए हम लोग यूज करेंगे। राइट, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव अ बाइक, हमारे पास एक बाइक है। ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। शी हैज नाइस वॉइस, उसके पास अच्छी आवाज है। राइट, यू हैव सम बुक्स, आपके पास कुछ किताबें हैं। राइट, तो जब भी हम कुछ ना कुछ रखने की बात करेंगे तो हमें हैव का यूज करना है। राइट, सिंगुलर के लिए यानी ही और शी के लिए हमें क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है। चलिए इसी सीरीज में हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो जब नेगेटिव की बात करेंगे पोजीशन में, तो हमें एज यूजुअल, मैं किसी चीज को रखता हूं या मेरे पास कोई चीज है, दैट मीन्स लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। और जब लाइफ की बात कर रहा हूँ तो लाइफ के लिए हमारे पास सीधा डू नॉट या डज नॉट होता है नेगेटिव सेंस में। तो मुझे बताना, आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं। आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। ही डजंट हैव एनी मोबाइल, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। राइट, ऐसा भी बोल सकते हैं ही डजंट हैव मोबाइल। राइट, तो एनी आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं। राइट, एनी का मतलब आएगा जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कोई है क्या, कोई मतलब कोई भी है क्या। राइट, ओके, यू डोंट हैव एनी बुक, आपके पास कोई भी किताब नहीं है। राइट, जब नेगेटिव की बात करूंगा तो आई डोंट हैव, अब मैं प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट, क्या कि मेरे पास है, आई हैव आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। राइट, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी। राइट, इन द सेम मैनर, अगर उसके पास है तो ही हैज, और उसके पास नहीं है तो ही डजंट हैव। तो यहाँ पे हम एक गलती कर जाते हैं, वो गलती ये कर जाते हैं कि जब ही और शी के साथ हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज भी लगाते हैं और हैज भी लगा जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हमने डज लगा दिया है तो हमें have, has की जरूरत नहीं है, हमें have ही लगाना पड़ेगा। राइट, सो ही हैज अ कार, ही डजंट हैव अ कार। राइट, ओके, अब बात करते हैं कंफर्म। तो जब मैं बात कंफर्मेशन की करता हूँ, राइट, पक्का पक्का करने ही करता हूँ, क्या तुम्हारे पास है, तो क्या तुम्हारे पास है का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, टाइम वर्ड पहले, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। क्या है स्ट्रक्चर, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। सो टाइम वर्ड डूअर एक्शन के हेल्प से हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपके पास है, डू यू हैव, सो डू यू हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार बट ही हैज कार। राइट, डू यू हैव अ मोबाइल फोन, नो आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन। डू यू हैव अ स्मार्टफोन, नो आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन बट ही हैज अ स्मार्टफोन। राइट, इन द सेम मैनर, अगर कोई चीज मैं रखता हूं तो आई हैव, मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव। राइट, इन द सेम वे, क्या आप रखते हो, डू यू हैव, नो आई डोंट हैव। क्या मैं रखता है, डज ही हैव, उसके पास नहीं है तो ही डजंट हैव। राइट, ओके, तो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट वन। सेट वन ये कहता है डू यू हैव, क्या आपके पास है, और मुझे मना करना है, नो मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव बट ही हैज, उसके पास है। राइट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके पास रिमोट है, तो आप बोलते नो 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 आई डोंट हैव, आई डोंट हैव रिमोट बट ही हैज रिमोट। राइट, तो उस कंडीशन में आप मना करते हैं कि मेरे पास नहीं है बट सामने वाले व्यक्ति के पास है, दूसरे व्यक्ति के पास है, तो उसके लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, ही हैज। राइट, इन द सेम वे मेरे पास सेकंड सेट है, सेकंड सेट में हम बात कर सकते हैं डू यू हैव, तो यहाँ मैं बात पॉजिटिव की करने वाला हूँ। राइट, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास है तो आप कहते हैं हाँ मेरे पास है, तो फिर मेरी जिज्ञासा जागती है कि मैं आपसे मांग लूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर आता हूँ और आपसे मुझे कोई चीज़ चाहिए। राइट, मैं आपका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी मेरे यहाँ कोई चीज़ खत्म हो गई है, वो चीज़ मैं आपके यहाँ मांगने आता हूँ और आप कहते हैं हाँ है, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे दे दीजिए, एज सिंपल एज दैट। राइट, चलिए
तो मैं जानता हूं आपसे क्या आपके पास माचिस है, डू यू हैव मैच बॉक्स? तो आप क्या बोलते हैं, यस आई हैव मैच बॉक्स। तो मैं कहता हूं क्या मैं आपका मैच बॉक्स ले सकता हूं? सो हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं किसी भी चीज को मांगने के लिए। हम मेकअप यूज कर सकते हैं, है ना, कैन का भी यूज कर सकते हैं, बट हम बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी पोलाइट लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में हमें एटिकेट सिखाती है, तो हम रिक्वेस्टिंग वे में जाएंगे। सो कुड आई हैव, तो मांगने का तरीका क्या है, कुड आई हैव। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह न्यूज पेपर रहे हो, राइट, और मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे न्यूज पेपर मांगता हूँ, तो कैसे मांगू, कुड आई हैव योर न्यूज पेपर प्लीज, प्लीज जरूर लगाना है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्टिंग। हम बात करने वाले हैं मोबाइल चार्जर। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, कई बार हम लोग अपने पड़ोसी के यहाँ होते हैं, कई बार हमारा मोबाइल चार्जर नहीं मिल रहा होता है, या कई बार हम किसी रिश्तेदार में जाते हैं, हम अपना चार्जर घर पे भूल जाते हैं, तो हम मोबाइल चार्जर मांगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, डू यू हैव मोबाइल चार्जर? तो आप कहते हैं यस आई हैव मोबाइल चार्जर। सो कुड आई हैव योर मोबाइल चार्जर प्लीज, कुड आई हैव, तो क्या मैं ले सकता हूँ, कुड आई हैव, बोल दिए मेरे साथ, कुड आई हैव, कुड आई हैव योर मोबाइल चार्जर प्लीज। योर लगाएं तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। सो बोल दीजिए, कुड आई हैव मोबाइल चार्जर प्लीज। इन द सेम मैनर वो कहता है हाँ हाँ लीजिए ना, ये लीजिए। तो जब ये लीजिए की बात कहता है, तो एक बेहतरीन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये लीजिए, या ये रहा, राइट, तो ये रहा और ये लीजिए के लिए हमें बोलना है हेयर यू आर। क्या, हेयर यू आर, यस बोल दीजिए हेयर यू आर। बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन है, जब भी कोई व्यक्ति आपको आपकी चीज देता है या कोई चीज देता है और बोलता है लीजिए, ये लीजिए, तो हेयर यू आर, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं मोबाइल चार्जर की। हमने मांगी रूम, रूम मतलब झाड़ू, राइट, तो मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरे घर में अचानक से झाड़ू खत्म हो गया है और मुझे कुछ सफाई करनी है और लॉकडाउन भी चल रहा है तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं जाना चाहता हूँ कि आपके पास झाड़ू है। सो डू यू हैव रूम? आप कहते हैं यस आई हैव रूम, तो मैं मांगना चाहता हूँ आपसे, कुड आई हैव योर रूम प्लीज? तो आप कहते हैं यस सर, हियर यू आर, ये लीजिए, राइट। इन द सेम वे स्क्रू ड्राइवर, राइट, तो बड़ी कॉमन सी बात है, पेचकस की जरूरत हमें हर घर में होती है और कई बार हमारे घर में टाइमली मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी से मांग लाते हैं। सो डू यू हैव स्क्रू ड्राइवर? यस आई हैव स्क्रू ड्राइवर। कुड आई हैव योर स्क्रू ड्राइवर प्लीज? यस हियर यू आर, राइट। आगे हम बात करते हैं फनल, फनल मतलब कीप। तो आप कीप जानते होंगे, जिससे हम बचपन में पानी करते थे, और कीप जो रहता है, जिसे किसी बॉटल में पानी डालने के लिए, पोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीप, फनल जो हर घर में पाया जाता है। सो डू यू हैव फनल? यस आई हैव फनल। कुड आई हैव योर फनल प्लीज? सो हियर यू आर, यस हियर यू आर, राइट। आयरन, आयरन मतलब प्रेस, इस्त्री। इन द सेम वे ग्रेट, ग्रेट मतलब कद्दूकस। तो कद्दूकस बड़ा कॉमन होता है, हर घर में मिलता है, कई बार मिसप्लेस हो गया तो हम क्या करेंगे, मांग लेंगे, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर मतलब चाय छाने वाली छलनी, है ना। इसके बाद में बात करते हैं ट्रिमर, ट्रिमर मतलब बालों को सेट करने वाला, दाढ़ी सेट करने वाला, ट्रिमर ट्रिम करने वाला, राइट। सॉ, सॉ मतलब आरी, राइट, तो आरी भी हमें जरूरत पड़ती है कई बार। इन द सेम वे हम बात करते हैं सॉवल, है ना, सॉवल मतलब फावड़ा, तो फावड़े को इंग्लिश में कहते हैं सॉवल, राइट। इसी तरह से बात करते हैं हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी, राइट, या हथौड़ा। तो आपने देखा ये सारे वो कॉमन वर्ड्स हैं जिसका जरूरत हमें घर में पड़ती ही पड़ती है और हमें कभी ना कभी इसे मांगना पड़ता है, राइट। तो इन सारे चीज़ों को हम मांग सकते हैं, इसके अलावा हम जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो मांग सकते हैं, सम लाइक डिजी कैमरा, डिजिटल कैमरे को हम डिजी कैम बोल सकते हैं, लैपी बोल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं, योर बाइक, योर कार, और योर वट एवर यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ, सो यू कैन आस्क फॉर दैट, राइट। तो एज सिंपल एज दैट, डू यू हैव? सो यस आई हैव, कुड आई हैव योर डैश प्लीज? यस हियर यू आर, राइट। तो इसे हम इसी तरह से मांग सकते हैं, इसी तरह से यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, राइट। सो आई होप आपने आज से ये स्ट्रक्चर अपनी लैंग्वेज में शामिल कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक और तरीका हो सकता है, राइट। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वहाँ अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ही चलता है। सो दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी पीपल ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक हैव गॉट। सो पजेशन के लिए एक और स्ट्रक्चर आता है, दैट्स कॉल्ड हैव गॉट, राइट। सो हैव गॉट, मेरे पास है, वहां मैं बात कर रहा था सिंपल आई हैव अ मोबाइल फोन, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आई हैव गॉट अ मोबाइल फोन, यानी मैं एक मोबाइल फोन रखता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। तो हम दोनों ही स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ पजेशन, राइट,
तो मैंने बताया आई हैव गॉट अ मोबाइल, तुम्हारे पास है तो यू हैव गॉट अ मोबाइल, उसके पास है तो ही हैज गॉट अ मोबाइल, लड़की है तो शी हैज गॉट अ मोबाइल, और हमारे पास है तो वी हैव गॉट अ मोबाइल, दैट मीन्स वी हैव गॉट अ मोबाइल, राइट। नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर है आई डोंट, आई हैव नॉट गॉट, आई हैवंट गॉट, तो हैव नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे स्ट्रिंग करके हैवंट, तो बोलिए आई हैवंट गॉट मोबाइल, तुम्हारे पास नहीं है तो यू हैवंट गॉट मोबाइल, उसके पास नहीं है तो ही हैजंट गॉट मोबाइल, लड़की है तो शी हैजंट गॉट मोबाइल, हमारे पास नहीं है तो वी हैवंट गॉट मोबाइल, एंड उनके पास नहीं है तो दे हैवंट गॉट मोबाइल, राइट। तो हमने देखा कि हैव नॉट से भी हम बात कर सकते हैं, सो आई हैव गॉट, आई हैवंट गॉट, यू हैव गॉट, यू हैवंट गॉट, या मेरे पास टाइम नहीं, आई हैवंट गॉट टाइम, मेरे पास मौका नहीं है, आई हैवंट गॉट अपॉर्चुनिटी, राइट, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैवंट गॉट मनी, राइट। सो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, एंड इट्स टाइम टू कंफर्म द थिंग्स, जब हमें चीजों को कंफर्म करना है तो अगेन स्ट्रक्चर इज टाइम वर्ड डूअर एक्शन, तो टाइम वर्ड को आगे लाएंगे, सो हैव यू गॉट, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास हैव यू गॉट, आपके पास कुछ टाइम है, हैव यू गॉट टाइम, आपके पास स्पैनर है, स्पैनर, स्पैनर मतलब पाना, जिससे हम वो बड़े बड़े बोल्ट कसते हैं, पाना, स्पैनर, नो सॉरी आई हैवंट गॉट, अच्छा फिर वो स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, स्क्रू ड्राइवर, हैव यू गॉट स्क्रू ड्राइवर, नो आई हैवंट गॉट, अगर है तो यस आई हैव गॉट, राइट। इन द सेम हम लोग सीजर की बात करते हैं, कैंची, कैंची जरूरत पड़ती है समटाइम्स, है ना, ट्रिमर की बात करते हैं, राइट, आयरन की बात करते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ, राइट, सो वी कैन अप्लाई इन लैंग्वेज नाउ। सो अगर मुझे कन्फर्म करना है आपसे बट उसके बारे में, क्या उसके पास है, सो हैज शी गॉट, तो टाइम वर्ड चेंज हो जाएगा, हैज शी गॉट हो जाएगा, हैज शी गॉट, राइट। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैज शी गॉट अ मोबाइल फोन, हैज शी गॉट हर पर्सनल नंबर, हैज शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर हरसेल्फ, राइट। ओके लेट्स प्रैक्टिस सेट वन, सेट वन ये कहता है कि हमें हैव से बात करनी है, सो हैव यू गॉट, तो जितने भी मैंने आपको पिछले सीट में जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट आर्टिकल आपको बताए हैं, उन आर्टिकल्स का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी चीज़ आपको लगता है ना, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेट वन हमारा कहता है हैव यू गॉट, हैव यू गॉट मैच बॉक्स, यस आई हैव गॉट मैच बॉक्स, तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया है, पहले हमने बात की थी कुड आई हैव से, कुड आई हैव योर न्यूज़पेपर प्लीज, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड आई हैव योर मार्कर प्लीज, राइट। अब हम बात करने वाले हैं मे से, तो मे भी रिक्वेस्टिंग वे में हम लोग यूज करते हैं, बस मे में और कुड में फर्क इतना है कि मे एक औपचारिकता के वे में जाता है, और जो कुड है वो बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा विनम्र हो जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मे आई हैव योर, सो मे आई हैव योर मैच बॉक्स प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर न्यूज़पेपर प्लीज, राइट। यस हेयर यू आर, अगेन हेयर यू आर, ये लीजिए, ये रहा, राइट। अगेन मैं बात करता हूँ हैव यू गॉट, सो हैव यू गॉट मोबाइल चार्जर, यस आई हैव गॉट मोबाइल चार्जर, कुड आई हैव और मे आई हैव योर मोबाइल चार्जर प्लीज, यस हेयर यू आर। इन द सेम वे हम लोग ट्रिमर की बात कर लेते हैं, हैव यू गॉट ट्रिमर, यस आई हैव गॉट ट्रिमर, मे आई हैव योर ट्रिमर प्लीज, यस हेयर यू आर, ये लीजिए, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं सेट टू। लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा फ्रेंड मेरे पास आता है और मेरे से बहुत उम्मीद के साथ कोई चीज मांगना चाहता है, बट वो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पड़ोसी के पास है या मेरे कजन के पास है, तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो नहीं है बट उसके पास है, तो वो क्या कहता है यार उससे दिला देना यार, मुझे दो मिनट का काम है बस, मुझे उससे दिला दे, राइट। तो चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं, तो मुझसे पूछता है हैज शी गॉट अ मोबाइल फोन, हैज शी गॉट अ चार्जर ऑफ एप्पल, हैज शी गॉट अ मार्कर, हैज शी गॉट अ व्हाइट बोर्ड, है ना, यस she has got a whiteboard, she has got a marker, right, so please get me marker from her, to from matlab usse, to from ke sath hum log him bhi use kar sakte hain, her bhi use kar sakte hain, it's depend ke hum kiske liye baat kar rahe hain, right, so has she got a marker, yes she has got a marker, so please get me marker from him, from her, right, to mujhse usse marker dila dijiye, okay I try, main koshish karta hu, ओके आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। अब चलिए आज की क्लास में हमने जाना कि पजेशन, पजेशन मतलब हैव और हैज, तो हैज ऐप का हम यूज कर सकते हैं। इन द सेम मैनर अब हम बात करते हैं पास्ट की, तो पजेशन इन पास्ट, तो अगर मैं कोई चीज रखता हूं, मेरे पास कोई चीज है, तो मैं क्या बोलूंगा आई हैव, बट
व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो पास्ट में यानी मेरे पास कोई चीज पहले थी, सो आई हैड, मेरे पास पहले टाइम था, आई हैड टाइम, राइट। मेरे पास पहले मौका था, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, राइट। मेरे पास पहले बहुत सारा पैसा था, है ना, आई हैड लॉट ऑफ मनी, राइट, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, राइट। तो इन द सेम वे अगर मैं पास्ट में किसी चीज को रखता था तो मेरे पास सिंपल तरीका आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड। तो आई हैड मेरे पास था, आई हैड मैच बॉक्स, आई हैड लाइटर, है ना। सो अर्लियर आई हैड लाइटर, पहले मैं मेरे पास लाइटर होता था, राइट। सो अर्लियर आई हैड लाइटर, राइट। तो इन द सेम मैनर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चीज हमारे पास पास्ट में थी, तो पहले बहुत सारी बार हम लोग जब आपस में डिस्कस करते थे तो बचपन में बोलते थे, अरे मेरे पापा के पास एक, मेरे दादा के पास एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी या उनके पास थी, है ना। तो माई ग्रांड फादर, माई ग्रांड पा हैड एन एम्बेसडर कार, राइट। तो उस कंडीशन में हम उनके लिए बात कर रहे हैं, पास्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैड का यूज करें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपके पास थी, तो क्या आपके पास थी, डिड यू, क्या आपके पास थी, डिड यू। तो हमने सिर्फ बात किसका किया, डिड यू, तो आप क्या बोलेंगे, यस मेरे पास थी तो आई हैड, और नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव। तो अगेन नेगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट आएगा पास्ट के लिए, एंड हैव आ जाएगा, सो आई डिडंट हैव। तो मैं बोलता हूं डिड यू हैव, नो आई डिडंट हैव, डिड यू हैव, नो आई डिड, ही हैव, नो ही डिडंट हैव, डिड शी हैव, नो शी डिडंट हैव, डिड यू हैव, नो आई डिडंट हैव। सो डिड नॉट यूज करेंगे पास्ट के लिए, मेरे पास नहीं था, मैं बात करूंगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मेरे पास होगा। अब फ्यूचर मेरे पास होगा तो फ्यूचर के लिए हम लोग जानते हैं डूअर, विल, शैल एंड एक्शन, राइट। सो फ्यूचर मेरे पास होगा तो होने के लिए पोजिशन क्या है, हमारे पास हैव, राइट, और फ्यूचर में होगा सो आई विल हैव, सो आई विल हैव। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आई विल हैव एनफ मनी, राइट। मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा, आई विल हैव लॉट ऑफ टाइम। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, आई विल हैव नंबर ऑफ कार्स, राइट। तुम्हारे पास होगा, यू विल हैव, उसके पास होगा, ही विल हैव, लड़की है तो शी विल हैव, हमारे पास होगा, वी शैल हैव, सो वी शैल हैव, आई शैल हैव, यू विल हैव करके हम फ्यूचर में बात करेंगे। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास होगा, सो विल यू हैव, और नहीं होगा तो नो आई वुडंट हैव, आई वोंट हैव, नो आई वोंट हैव। तो हमने देखा कि हमें अगर लाइफ में बात करनी है पोजिशन के लिए तो हैज है, एंड पास्ट में बात करनी है तो हैड, और अगर फ्यूचर में बात करनी है तो विल हैव और शैल हैव हम करके बात करेंगे, राइट। सो आई विल हैव, सो मुझे बताना एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, वन डे आई विल हैव लॉट ऑफ मनी। एक दिन मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा, वन डे आई विल हैव लॉट ऑफ टाइम, राइट। एक दिन मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, वन डे आई विल हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। सो वन डे, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, वन डे आई विल हैव एवरीथिंग, वन डे आई विल हैव ईच एंड एवरीथिंग। सो हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो फ्यूचर की तो विल हैव करके हम बात कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने लाइफ के लिए बात की तो हैज है, पास्ट की बात की तो हैड, एंड फ्यूचर की बात की तो विल हैव और शैल हैव का यूज किया, एंड द डिफरेंट मैनर और अनदर मैनर इज हैव गॉट, राइट। हमारे किस स्टाइल में हम लोग हैव गॉट का यूज करते हैं, सो हैव यू गॉट, यस आई हैव गॉट, एंड नहीं है तो आई हैवंट गॉट, राइट। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी, आप लाइफ में यूज़ किए जो चीज़ आपके पास है उसके लिए यूज़ किए, जो चीज़ आपके पास नहीं है और जो चीज़ मांगनी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, मे आई हैव योर टाइम प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर मार्कर प्लीज, और या फिर हम कुड से भी बात कर सकते हैं, सो कुड आई हैव योर मार्कर प्लीज, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क फ्रॉम अदर्स, राइट। एंड very impressive method, yes here you are, yes here you are, yes here you are, yes here is your money, इसलिए और सर्विस के बदले में आप उसे पैसा दे रहे हैं तो बोलते हैं ये लीजिए अपना पैसा, so here is your money, here is your money, here is your book, आपको उसकी किताब रिटर्न करनी है तो here is your book, here is your money, here you are, here you are, so here you are मतलब ये लीजिए, here is your money, जो भी चीज आपको देनी है वो बीच में लगा के हेयर इज योर करके वो चीज बोल सकते हैं, हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर मार्कर, हेयर इज योर पैन, हेयर इज योर व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, राइट। सो
आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए एंड एंजॉय कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।